हाँ भाई मैं ठीक हूँ, प्रॉफिट की और है। इसे फोन पैकिंग ऑल राइट कह रहे हैं? हाँ, तूने तो मुझे फोन पे कहा था तुझे कुछ नहीं हुआ, फिर ये चोट कैसे लगी? मॉम इट्स ओके, ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना एक पीस मैं आपके सामने रखा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सिंदूरा बिल्कुल सही कह रही है। कुछ नहीं बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ वहां पर क्या हुआ। जब मैं वहां फिल्म सिटी गया उसके बाद वहां पर बहुत ठंड थी, अचानक से वहां पर इतनी टैनिंग हो गई हम लोगों की, हम लोग काले हो गए। काले होने के बाद सुमन सुमन और मैं पानी में भीग गए। भीगने के बाद सडनली उसके पैरों में चोट लगी और मैंने उसको अपने हाथों में उठा लिया। उठाने के बाद जैसे हम लोग जा रहे थे सडनली कुछ गुंडे वहां पर आए, उन गुंडों से फाइट करने के बाद और उसके बाद मैंने वीर का फिर शंकर बन के गुंडों से लड़ाई की। और लड़ाई करने के बाद सुमन ने फुल पिक्चर की तरह जैसे पिक्चरों में होता है मेरे हाथ में पट्टी बांधी और बस। इतनी बड़ी बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकता है? ये चोट गहरी भी तो हो सकती है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। रिलैक्स, चोट गहरी नहीं है, अगर गहरी होती तो पट्टी से खून कैसे रुकता? और वैसे भी सुमन ने बैलेंस कर दी थी, सब ठीक है। छोटे दो दिन बाद शादी है तो रिस्क क्यों ले रहे? डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। रुक मैं फोन करके आता हूँ। अरे अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये गुंडे कहाँ से पहुँच गए सुमन पर अटैक करने के लिए? अभी तो ठीक है लेकिन इन गुंडों वाली बात को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रणवीर हमें पुलिस कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। तुमने कहा कि उन्होंने तुमको लिफ्ट ऑफर की, तुमने गाड़ी का नंबर तो जरूर देखा होगा। जी चाचू नंबर तो मुझे याद है लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त कंप्लेंट करना सही नहीं होगा। नहीं रणवीर हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी होगी। अरे शादी का माहौल है, पता नहीं वो गुंडे तुम लोगों से सुमन से और तुमसे क्या चाहते थे, और हम नहीं चाहते कि शादी के माहौल में कोई अड़चन आए। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, क्या पता उन्होंने फिर से अगर कोशिश की अटैक करने की तो। पर भाई साहब प्रॉब्लम एक और है। क्या? शादी का माहौल है, घर में इतने सारे गेस्ट होंगे, अगर पुलिस को घर में आते जाते देखेंगे तो उनको भी परेशानी होगी।